प्रिय छात्र छात्राओं, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। इससे पहले हमने बात की थी ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान में सबसे ज़्यादा विचार अगर किसी चीज़ पे हुआ है या चर्चा हुई है तो इस पे हुई है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। इन परिवर्तनों का, ध्वनि परिवर्तन की जो दिशाएं होती हैं, इन परिवर्तनों का मुख्य कारण होता है प्रयत्न लाघव या मुख सुख। जोर जबरदस्ती की जाती है ध्वनियों के साथ या मनुष्य अपने मुख के सुख के लिए ऐसा करता है। ध्वनि परिवर्तन की निम्न दिशाएँ हो सकती हैं। पहली दिशा है समीकरण। समीकरण का मतलब होता है मिलना या मिल जाना। जब दो विषम ध्वनियां एक साथ एकत्र होती हैं तो एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित करती है। दो विषम ध्वनियां एक साथ एकत्र होती हैं तो एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित करके अपने समान बना लेती है, या तो पहले वाली दूसरी पे प्रभाव डालती है या दूसरी वाली पहली पे प्रभाव डालती है। इस आधार पर यह समीकरण दो प्रकार का होता है। एक तो पुरोगामी समीकरण। पुरोगामी समीकरण में क्या होता है कि पूर्ववर्ती ध्वनि आगे की दूसरी ध्वनि को अपने समान बना लेती है, पहले वाली ध्वनि जो है वो आगे वाली ध्वनि को अपने समान बना लेती है। जैसे विष प्लस नु विष्णु, पुष प्लस तय पुष्ट, तय का तय हो गया, नु का अणु हो गया। और दूसरा होता है पश्चगामी समीकरण। पश्चगामी समीकरण, पश्चगामी समीकरण में क्या होता है कि प्रवर्ती ध्वनि जो बाद वाली ध्वनि होती है वो पहले वाली ध्वनि को अपने समान बनाती है। बाद वाली ध्वनि पहले वाली ध्वनि को अपने समान बना लेती है। जैसे शर्करा शक्कर, धर्म धम, शप सत, वलकल वक्कल, तत् प्लस लीन तल्लीन। जो लीन के हिसाब से तत् तय का लय बन गया, तत् वाले तय का जो लय तय था उसका लय बन गया। गल्प, इसमें पै जो है वो लय को बदल देगा और हो गया गप। ये कहलाता है पश्चगामी समीकरण। दूसरी दिशा होती है विषमीकरण, डिसमिलेशन। ये समीकरण का उल्टा है। इसमें दो सम ध्वनियां या दो समान ध्वनियां होती हैं, उनमें से एक विषम हो जाती है और दूसरा रूप धारण कर लेती है। दो सम ध्वनियां जो होती हैं उनमें से एक विषम हो जाती है और अन्य उच्चारण का दूसरा रूप धारण कर लेती है। ये क्यों होता है? उच्चारण की सुविधा के लिए और अर्थ की स्पष्टता के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे काक, संस्कृत में एक शब्द था काक, वह काग हो गया। एक कैगा, एक जो कै था उसका विषमीकरण हो गया, कै के स्थान पर गै बन गया। कंकण, कंगन, एक कै का गै बन गया, एक न का अणय बन गया। पुरुष, पुरुष, उ की ध्वनि स्वर गायब हो गया। गुरु, गुरु, ये विषमीकरण स्वर में भी होता है और व्यंजन में भी होता है। व्यंजन भी बदल जाते हैं, स्वर भी बदल जाते हैं। तीसरी जो दिशा है वो है आगम। उच्चारण की सुविधा के लिए शब्दों के आदि, मध्य या अंत में कुछ ध्वनियां जोड़ दी जाती हैं, या तो शब्द के आरंभ में या शब्द के मध्य में कुछ और ध्वनियां आ जाती हैं या जोड़ दी जाती हैं, ये कहलाता है आगम। और ये आगम तीन स्तर पे होता है। इसके तीन भेद हैं या तीन रूप हैं। पहला है आदि स्वरागम, दूसरा है मध्य स्वरागम और तीसरा है अंत्य स्वरागम। पहले हम बात करेंगे आदि स्वरागम या प्राग भूजन जिसको बोलते हैं। कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए कुछ व्यंजनों उच्चारण की सुविधा के लिए कुछ व्यंजन जो हैं
उनको विशेष रूप से संयुक्त व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले शब्दों के आदि में जो व्यंजन होते हैं, संयुक्त रूप से प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं उनके आदि में एक स्वर और आ जाता है, इसको आदि स्वरागम या प्राग भुजन कहते हैं। ये पंजाबी भाषा में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा आपको, और जो ग्रामीण भाषा स्थानीय स्तर की जो भाषाएँ होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मिलता है। कुछ स्थानों पर आदि स्वरागम के उदाहरण मिलते हैं, जैसे एक शब्द है हिंदी में स्त्री, आधा शय त्री, स्त्री, इसका उच्चारण हो गया स्त्री, ई आ गया शुरुआत में। स्कूल, स्कूल। स्नान, स्नान, उच्चारण में स्टेशन, स्टेशन। स्तुति, स्तुति। ये स्वरागम है, कहीं कहीं व्यंजनागम भी होता है, जैसे अस्थि, यहाँ स्वर नहीं व्यंजन आ जाएगा, व्यंजनागम व्यंजन आ जाता है, अस्थि के स्थान पे हो गया हड्डी। होस्ट, स्वर गायब हो गया, व्यंजन आ गया होठ। उल्लास, ऊ गायब हो जाएगा, हुलास। तो ये है आदि स्वरागम। दूसरा होता है मध्य स्वरागम। संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उसमें होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए बीच में किसी स्वर का आगम हो जाता है, बीच में आ जाता है स्वर। स्वर वहाँ जो वर्ण या व्यंजन होता है वह स्वरहीन या स्वर रहित होता है, लेकिन उच्चारण की सुविधा के लिए स्वर आ जाता है और वर्ण जो है वह स्वरयुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं मध्य स्वरागम। जैसे धर्म, रे हलंत होता है जो ऊपर होता है मै के, लेकिन पूरा हो जाता है उच्चारण में, धर्म, धर्म। कर्म, कर्म। भक्त, भगत। प्रसाद, प्रसाद। वानर, बंदर। सुन्नर, सुंदर। पंक्ति, पंगत। आलस, आलकस। कह आ गया बीच में कहीं से। और तीसरा होता है अंते स्वरागम। अंत में सुविधा के लिए कोई स्वर जोड़ा जाता है, अंत में सुविधा के लिए कोई स्वर जोड़ा जाता है। संस्कृत के हलंत शब्दों को प्राकृत में अकारांत कर देते हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं जो हलंत हैं उनमें, उनको प्राकृत में आकर के क्या कर देंगे, हलंत की बजाय उसको अकारांत ए से अंत कर देंगे उसका। अंग्रेजी में भी व्यंजन के बाद कोई स्वर जोड़ देते हैं, जैसे महत, प्रकृत में प्राकृत में हो गया महंत। गच्छत, गच्छंत। हनुमत, हनुमंत। ज्वलत, ज्वलंत। कहीं पर अंत में अक्षर भी लग जाता है, कहीं कहीं कोई पूरा का पूरा वर्ण आ जाता है, जैसे वधु, वधुटी। बाल शब्द था और हो गया बालक। मुख शब्द है, हो गया मुखड़ा। डप, डफली। ये होता है आगम। आगम तीन प्रकार का होता है, ये हमने देखा। चौथा होता है लोप। ध्वनि परिवर्तन की चौथी दिशा है लोप। कभी कभी मुख सुख या उच्चारण में शीघ्रता, स्वराघात आदि के कारण कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है, कुछ ध्वनियाँ ही गायब हो जाती हैं, या तो मुख सुख के कारण या शीघ्र भाषण या शीघ्र उच्चारण में। और ये लोप तीन प्रकार का होता है, स्वर लोप जहाँ स्वर लोप हो जाए पूरा का पूरा, व्यंजन लोप जहाँ कोई व्यंजन लोप हो जाए, और तीसरा होता है अक्षर लोप जहाँ अक्षर ही चला जाए। और ये लोप बीच में भी हो सकता है, आदि, मध्य और अंत तीनों में होता है ये लोप। आदि स्वर लोप देखिए आप, स्वर की बात करेंगे हम सबसे पहले आदि स्वर लोप। आभ्यंतर, इसका हो गया भीतर, आ गायब हो गया। अनाज, ए गायब हो गया, अनाज बचा। मध्य स्वर लोप देखिए आप, राजन प्लस आ, राजना और हो गई आज्ञा, राज्ञा। जगम प्लस अंतु, जगमतु। और अंत में स्वर का लोप देखिए आप, घर, घर। रे हलंत हो गया, राम, रामे, ये हलंत हो जाता है। अगर, गर। डू नोट, डोंट, ये मध्य स्वरलोप है। शिला, शिल, अंतिम स्वरलोप।
एक होता है आदि व्यंजन लोप, मध्य व्यंजन लोप और अंत्य व्यंजन लोप। अब व्यंजन लोप के उदाहरण देखिए आप, आदि व्यंजन लोप स्थाली बन गया थाली, स्थान थान, स्कंद कंधा, और मध्य से व्यंजन का लोप कति कई, रात्रि का रात बन गया पंक्ति पांत, और अंत में व्यंजन का लोप देखना आप, उष्ट ऊंट, निम्ब नीम, दंडिन दंडी। ये अब पूरे के पूरे अक्षर का लोप देखें, मैं आदि अक्षर लोप यानी पूरा अक्षर जो है किस प्रकार लोप हो जाता है, आदि अक्षर लोप। एक शब्द था उपाध्याय, पूरा का पूरा अक्षर गायब हो गया और नया क्या बना, झा। आदित्यवार, शुरुआत का अक्षर गायब हो जाएगा और बन गया इतवार। बीच के अक्षर का लोप देखना, भंडागार भंडागार भंडागार, भांडे रखने का स्थान भंडागार, बीच का सारा गायब हो गया और बच गया भंडार। प्रेक ग्रंथी, प्रेक ग्रंथी पालथी। और अंत में अक्षर का लोप होता है माता, ता गायब हो गया माँ बचा। व्यंग्य, ये गायब हो गया व्यंग्य बचा के, ये है अक्षर लोप। इसके बाद की बात अगली कक्षा में। धन्यवाद।